उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में माथी क्षेत्र का एक मामला सामने देखने को मिला, जहां पर ऑटो चालक पर चाकू से हमला हो गया, उसके बाद ऑटो लूट लिया गया। पूरा मामला क्या है जरा विस्तार पूर्वक बाराबंकी जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आर एस गौतम से जान लेते हैं। तो सुनिए जरा कि अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आर एस गौतम क्या कह रहे हैं। ब्रजेश पाल सेना अयोध्या प्रसाद निवासी सिमरा मछरेका थाना जिला सीतापुर ने एक तहरीर दिया थाना देवा में कि उनके बहनोई विमल कुमार पाल निवासी जहीरापुर कॉलोनी गुडम्मा थाना ये ई रिक्शा चलाते हैं और कल रात्रि 10:30 बजे माती नहर के पास में इनके साथ मारपीट की गई है और इस आशय के प्रार्थना पत्र पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इनको जो है विमल कुमार को हॉस्पिटल भेजा गया है, इनकी चोटों का इलाज कराया जा रहा है और किस व्यक्ति से किस बात पर ये मारपीट की गई है इस संबंध में विवेचना की जा रही है। लूट जैसी कोई वारदात? इनका ई रिक्शा जहां पर ये बैठे थे माती नहर की पटरी पर, वहीं ई रिक्शा भी इनका वहीं खड़ा था और किराएदारी को लेकर विवाद हुआ है या अन्य कोई और विवाद है इनका, और पास का जो CCTV है उसको भी देखा गया है। तो इनके साथ एक व्यक्ति था जो बुजुर्ग व्यक्ति है, तो इनका क्या विवाद हुआ इस संबंध में विवेचना की जाए। तो अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आर एस गौतम की बातें सुनकर के आप पूरा मामला विस्तार पूर्वक समझ गए होंगे। फिलहाल बाराबंकी जनपद में उत्तर प्रदेश के लिए ABN News 24 की ब्यूरो रिपोर्ट।